Hello friends, good morning everyone. Today we are going to discuss about very important topic and one of the most important topic of your section spoken English. Means what? Whatever we are going to learn today, this is the also important for our grammar section and also with parallel of our spoken section. ओके मीन्स क्या हो रहा है, जो हमारा शुड होता है ना, जो हम लोग शुड का यूज पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे ग्रामर के सेक्शन में और स्पोकन इंग्लिश के सेक्शन में दोनों में इंपॉर्टेंट है। वेदर हम लोग जो बात करते हैं ना आजकल, जो हम लोग की जो बातचीत होती है, जो हम लोग एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर शुड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स इफ़ आवर डेली लाइफ में शुड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके तो हम लोग शुड के यूज़ को आज देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो शुड होता है, अगर हम लोग बात करें इसका, अगर शाब्दिक करते कि मीन्स वन थिंग इज वॉट, अगर हम लोग बात करें इसके की मीनिंग की, वर्ड मीनिंग की बात करें, तो क्या होता है, चाहिए होता है। ओके चाहिए होता है, यू मस्ट नो इट इज़ यूज्ड इफ़ यू विल से इन हिंदी व्हाट हैपन, चाहिए। ये क्या होता है, अगर हम लोग बात करें इसके हिंदी मीनिंग की, तो क्या होता है, चाहिए होता है। ओके अब इसका देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट थिंग बता दूं मैं आपको कि ये क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो जब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, क्या कि इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा। ओके एंड इट विल बी ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। इफ यू विल यूज हैव और बी आफ्टर शुड, देन यू मे यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इफ यू आर यूजिंग वर्ब आफ्टर हैव, देन यू हैव टू यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ सी their uses. If we will discuss about the first use of should, then we will know that the most important use is what? Give and take advice. पहला जो इसका यूज़ क्या होता है, advice के लिए हम लोग यूज करते हैं, advice के लिए। advice भी दो कंडीशन में, किसी को advice देना हो, give करना हो या take करना हो। advice देने के लिए भी, advice लेने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, should का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं अगर आपसे, मैं अगर आपको एडवाइस दूं कि वी शुड हार्ड वर्क, ओके जैसे मैं अगर आपको एडवाइस दे रहा हूं, व्हाट वी शुड हार्ड वर्क, वी शुड हार्ड वर्क मीन्स वी मस्ट डू वेरी हार्ड वर्क। I am just giving you advice that you should, whether you are applying on my condition or not, it doesn't matter. But what I have to say, I am saying to you. मुझे जो कहना था वो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। अब ये मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी थोपता हूँ कि आप मेरी बातों को मानते हैं कि नहीं मानते। ओके सो दिस इज द एडवाइस, एडवाइस सलाह। ओके सो यू कैन से वॉट, सलाह के लिए इसका यूज करते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कह सकता हूं और भी बहुत सारे, जैसे क्या, वी शुड स्टे एट होम। आजकल क्या करना है, वी शुड स्टे एट होम। अब ये दिस इज नॉट ओनली द माई वॉइस, दिस इज द वॉइस ऑफ होल इंडिया इन द सिचुएशन, इन द करंट सिचुएशन, द गवर्नमेंट, द सोसाइटी, द होल कंट्री, इवन द होल वर्ल्ड इज सेइंग व्हाट, वी शुड स्टे एट होम। तो अब क्या हो रहा है, हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें घर पे रहना है। हालांकि सलाह क्या देना, वो तो टायर अच्छे से सलाह दे रहे हैं, बट व्हाट हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं, मुझे हमें घर रहना चाहिए। अब हम रह रहे हैं कि नहीं घर, इट्स आवर ओन प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन से दैट द फर्स्ट यूज ऑफ शुड इज इन केस ऑफ एडवाइस। और भी हम कह सकते हैं, यू शुड लर्न इंग्लिश। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला ना कि यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। अब क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक तरीके से एडवाइस दे रहा हूं कि नाउ इट इज यू आर फ्री एंड यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके कि आपको इंग्लिश सीख लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि वी शुड वेकअप इन द मॉर्निंग, ओके वी शुड हैव अ मॉर्निंग वॉक, ना वी शुड हैव आवर ब्रेकफास्ट। बहुत सारे सलाह, आप भी सलाह दीजिए अपने फ्रेंड्स को। यू शुड ऑल्सो एडवाइस योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर ब्रदर एंड सिस्टर, एवरीवन इन योर फैमिली। ओके तो आप भी ऐसे क्या कह सकते हैं, बहुत सारा हमारे साथ प्रयोग करिए, आप लोग देखते हैं। जैसे आइए मेरे साथ कहते हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए, वी शुड वेकअप इन मॉर्निंग। ओके हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वी शुड हार्ड वर्क, वी शुड डू हार्ड वर्क। हमें सुबह पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी इन मॉर्निंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आई। एक हम लोग इसका जो दूसरा यूज करते हैं, पहला तो यूज करते हैं एडवाइस के लिए, दूसरा यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा जो इसका यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना,
पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग शुड के साथ बी का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को एकदम ध्यान से, मीन्स इफ वी हैव टू यूज शुड इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी देन वी मस्ट बी श्योर दैट वी हैव टू यूज बी विथ शुड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने शुड का यूज किया था और इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमने शुड का प्रयोग किया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहां का स्ट्रक्चर था। अब यहां पे भी कुछ नहीं करना, बस बी का यूज कर देना। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा यहां पे। ठीक है, कब होगा, जब हम लोग बात करें इनका पॉसिबिलिटी की, जब बात करेंगे, जब पॉसिबिलिटी की बात, जैसे मैं आपसे बोलूं यू शुड बी देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर, मैं बोल रहा हूं आपसे यू शुड बी देयर ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं क्या, कि तुम्हें वहां पे होना चाहिए था। ठीक है, यू शुड बी टीचर, मैं एक संभावना व्यक्त करके ये भी कह सकता हूं क्या, यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, मीन्स वॉट, यू आर बिहेविंग लाइक अ टीचर, आप टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो, तो हम सीधे कह सकते हैं कि आपको क्या होना चाहिए भाई, आप टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो तो आपको एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, शुड बी का हम लोग एक यूज और करते हैं, जो तीसरा यूज करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं अब, नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट इरेज इट। नाउ द सी, एक तो बात समझ में आ गई शुड बी का, एक शुड बी का यूज और होता है हमारी डेली लाइफ में, जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन समझते होंगे सब लोग, एक्सपेक्टेशन बोले तो उम्मीद करना, उम्मीद करना, उम्मीद क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन बोले तो EXPECTATION, ओके, एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हम किसी से उम्मीद करते हैं, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ आशा लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि राम शुड बी मुंबई बाय नाउ, कि राम को इस समय मुंबई होना चाहिए ना, राम शुड बी मुंबई बाय नाउ का मतलब होता है अभी के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ओके, राम शुड बी मुंबई बाय नाउ, मीन्स व्हाट, वी आर यूजिंग बी विथ शुड इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन आल्सो, इफ वी हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन एंड वी आर सेइंग दैट एक्सपेक्टेशन, देन वी आर यूजिंग शुड विथ बी, तब हम लोग क्या करते हैं, शुड के साथ बी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं यू शुड बी एट योर होम, मैं ये उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि यू शुड बी एट योर होम, ना कि आपको अपने घर पे होना चाहिए, बात समझ में आई। तो जब भी हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं या पॉसिबिलिटी बताते हैं, याद रखिएगा, चाहे एक्सपेक्टेशन हो और चाहे पॉसिबिलिटी हो, दोनों के केस में हम लोग क्या करते हैं, शुड के साथ बी का प्रयोग करते हैं। बात मेरी समझ में आ गई, आई एम थिंकिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, ये होता है शुड का तीसरा यूज। अगर हम लोग बात करें शुड के नेक्स्ट यूज पे, तो हम लोग करते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, जो हम लोगों की फॉर्मल ऑब्लिगेशंस होती, फॉर्मल बोले तो, फॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, मोरल बोलेंगे, मोरल ड्यूटी की बात करें अगर, ओके, वी आर आल्सो यूजिंग शुड फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस। मोरल ऑब्लिगेशंस जानते होंगे, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, वो होता है हमारा मोरल ऑब्लिगेशंस। ओके, सो वी कैन से दैट द फोर्थ यूज ऑफ शुड, दैट शुड इज यूज्ड इन केस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, या सीधे लिखिए ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। ओके, किस लिए यूज करते हैं इसका हम लोग, इसका यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, या ऑब्लिगेशन बोले या मोरल ऑब्लिगेशन बोले, दोनों बात सही है। ठीक है, और हालांकि मोरल बोले तो मोरल लिख ही देते हैं, और साथ में हम लोग इसका यूज करते हैं किसके लिए, ड्यूटी के लिए। ड्यूटीज जानते होंगे, ड्यूटीज मतलब होती है जिम्मेदारी, ओके, और यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग शुड का यूज करते हैं। मोरल, जैसे मैं बोलूं आपसे, अगर एग्जांपल देता हूं आपसे, जैसे क्या, कि वन शुड लव वंस कंट्री, भाई हर एक व्यक्ति को अपने देश का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए ना, वन शुड लव वंस कंट्री,
ना, वन शुड लव वन कंट्री, ये क्या हो रहा है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी से कोई कहेगा नहीं आपसे। मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ना, एक्चुअली में क्या होता है, ये नैतिक चीज़ें होती है जो हमें नो वन कैन फोर्स अस, ये हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब क्या हो रहा है, हमें क्या, मैं आपकी एक ड्यूटी है, आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन है दैट यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इफ यू आर रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स और नॉट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी कि आप कर रहे हैं कि नहीं, बट क्या है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, क्या ये मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही आप और कह सकते हैं कि वी शुड नॉट हॉर्म या यू शुड नॉट हॉर्म, You should not harm anyone. किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये obligation है, ये भी हमारी क्या है, duty है, या बोले तो हमारी responsibility है। तो जब हम लोग responsibility की बात करते हैं, moral obligations की बात करते हैं, duty की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग should का use करते हैं। ऐसे आप भी अपने daily life में बहुत सारे sentences को use कर सकते हैं ना, कि क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए ना, हमारे समाज में ये होना चाहिए, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, हम लोग वहाँ पे भी शुड का यूज़ करेंगे। बात समझ में आई, इसका हम लोग एक यूज़ जो करते हैं वो पास्ट में करते हैं। पास्ट बोले तो कभी कभी क्या होता है ना, कि जो सेल का पास्ट होता है उसको हम लोग शुड के यूज सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट स्पीच की, आप सब लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या होता है ना, कि जो हम लोग शुड का यूज़ करते हैं वो सेल के पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। यू कैन से शुड इज़ यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ सेल। सिर्फ एक जगह यूज़ होता है जहाँ पे क्या होता है, जो शुड का प्रयोग होता है वो सेल के पास्ट में होता है। कब होता है, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो वहां पे शुड को जो यूज करते हैं वो एज ए पास्ट टेंस यूज करते हैं ना। कैसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोले आपसे अगर हाँ मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ही आस्क्ड इफ आई शैल हेल्प यू, ही आस्क्ड If I shall help you, अब यहां पे क्या होगा, जहां पर हमने shall का यूज किया है यहां पे क्या यूज करेंगे, If I should help you, If I should help you। ये बात समझ में आई, means we can say that in indirect speech we are using should as a past of shall, as a past of shall। यहां पे क्या करते हैं, indirect speech में हम लोग जो should का यूज करते हैं वो shall के past के लिए करते हैं। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, and this is the one of the most important case, means if you will learn indirect speech at that instant you must be also be very careful regarding this thing, that how you have to use shall, how you have to use should। बात समझ में आ गई। इसके अलावा हम लोग और यूज करते हैं, एक तो शुड का ये यूज हो गया, इसके अलावा हम लोग जो यूज करते हैं शुड का वो करते हैं पास्ट टेंस में। ये बातें समझ में आ गई आपको, एकदम ध्यान से समझते जाना है आपको, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन इफ यू आर गोइंग थ्रू एंड दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन, दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ओके, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट हैव, यू मस्ट भी, हम देखिए शुड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम मोरल ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको करना ही करना है, वो आपको इसके बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में कि हम लोग मस्ट के बारे में कैसे यूज करते हैं, ओके। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो शुड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोले किसके लिए, कि जो पास्ट के सेंस में यूज होता है, पास्ट के सेंस में यूज होता है, मीन्स इन पास्ट, पास्ट के सेंस में कैसे यूज होता है, दो केस में यूज होता है। एक तो जो पास्ट में यूज होता है, जैसा कि ये काम करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। दूसरा क्या होता है, हम लोग कभी कभी रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं, वो पास्ट के केस में करते हैं। लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या होता है कि शुड के साथ हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा हमारा कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस शुड होगा प्लस हैव होगा
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा. दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉलो इन केस ऑफ पास्ट टेंस. मीन्स इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर गोइंग टू यूज, इफ यू वॉन्ट टू यूज शुड इन पास्ट टेंस, देन यू मस्ट बी वेरी श्योर दैट यू हैव टू यूज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सो इफ आई विल टेक सम एग्जाम्पल, सो यू कैन से दैट व्हाट, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, you should have worked hard. तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था. मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको करना चाहिए था ना, अब नहीं किया आपने तो अब कहां से सीखना ना. कि जैसे कि अब हमारे कहने मतलब यह है कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था. ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, you should have studied English. क्या कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए था. भाई क्या कह रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए था. आपको इंग्लिश पढ़ना मतलब पास्ट में ये काम आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया है, इट्स योर प्रॉब्लम, आपको बट करना चाहिए था. ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं यू शुड नॉट क्वरल विथ एनीवन. बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू शुड नॉट क्वरल विथ एनीवन. ओके, और ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे कह सकते हैं, वी शुड आई शुड हैव वर्कड हार्ड, हमने हमें भी खुद भी काम बहुत ज्यादा करना चाहिए था ना. या कह सकते हैं ऐसे ही, राम शुड हैव प्लेड फुटबॉल, राम को पहले फुटबॉल खेलना चाहिए था. ठीक है, अगर वो पहले खेला होता तो क्या हुआ होता, आज वो बॉडी से फिट रहा होता. बात समझ में आ रही है? तो जहां पे हम लोग बात करते हैं पछतावे की, जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, पछतावे की बात करते हैं. ठीक है, या बोले तो चाहिए था. जहां पे हम लोग यूज करते हैं चाहिए था के सेंस में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शुड को हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं. ठीक है, एक आती है जिसका और जान लेते हैं. जैसे जब हम लोग एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हम लोगों के सामने एक लाइन लिखी होती है कि स्टूडेंट्स शुड बी ऑन प्रॉपर टाइम ना, या स्टूडेंट शुड हैव प्रॉपर टाइम, स्टूडेंट शुड हैव एवरी स्टडिंग मटेरियल, ऐसी चीजें लिखी होती है. तो वहां पे क्या होता है, जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है और जो फॉर्मल नोटिस होती है उसके लिए भी शुड का यूज होता है. किसके लिए, फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए या फॉर्मल नोटिस के लिए, दोनों के सेंस में क्या यूज होता है, शुड का यूज होता है. कैसे यूज होता है, जैसे कह सकते हैं कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव, अब देखिए सॉरी कैंडिडेट शुड आंसर, अभी क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको नोटिस दे जा रही है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे जा रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना उनको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर देना ही देना है. ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन के लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं. रिकमेंडेशन जानते होंगे, रिकमेंडेशन बोले तो, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद आ गए. ठीक है, आप एग्जाम देने इलाहाबाद आए हैं और आपने संगम को विजिट नहीं किया, और जब मुझे पता चला तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि यू शुड विजिट संगम. क्या कह सकता हूं कि यू शुड विजिट संगम. क्या कि मैंने क्या बोला कि आपको संगम विजिट करना चाहिए, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं. ठीक है, तो जहां पर रिकमेंडेशन की बात होती है वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करते हैं. ऐसे ही लेट सपोज यू आर गोइंग टू आजमगढ़. ओके, अगर आप आजमगढ़ गए हैं, ओके यू आर हैव आजमगढ़ गए हैं. ठीक है, अब वहां से आप आजमगढ़ में हैं तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, इफ यू आर इन आजमगढ़ देन यू मस्ट विजिट माई होम, आपको मेरे घर को विजिट करना चाहिए. यू शुड विजिट माई होम, आपको मेरा घर विजिट करना चाहिए. बात समझ में आ गई? तो रिकमेंडेशन करना हो, नोटिस करना, एक्सपेक्टेशन करना हो, ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, या हम लोग बोले किसी को सजेशन देना हो, तो इन सारे सेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं. आई होप आप इसको समझने की कोशिश किए होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स देन दिस विल बी मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन इन योर कम्युनिकेशन. इट विल बी जस्ट एनहेंस योर कम्युनिकेशन. ओके, आपके कम्युनिकेशन में वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन देगा. ठीक है, और इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको फिर आप बाद में भी देख सकते हैं. कभी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.